जय हिंद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं भारत क्यों है विश्वगुरु, आज इस पूरी वीडियो में हम यही चीज डिस्कस करेंगे कि वाई वी लव इंडिया, वरन वी ही नहीं भारत ही नहीं पूरा विश्व आज भारत को प्यार करने के लिए आतुर है। क्या ऐसी खास बात है, क्या ऐसी रोमांचक बात है, क्या ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है इंडिया के बारे में जो हमें ये सोचने में मजबूर कर देंगे कि क्या एक देश के अंदर इतनी डाइवर्सिफिकेशन, इतनी चीजों का संग्रह क्या एक देश हो सकता है, क्या ऐसी खूबियां हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो इंडिया के अंदर आज भी इंडिया को विश्व गुरु बनाना चाहती हैं, विश्व गुरु का दर्जा दे रही हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्ड भी डिस्कस करेंगे। वैसे तो अगर मैं बताऊं कि इंडिया के बारे में इतनी अदोखी बात है कि अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूंगा तो ना मैं कभी खत्म कर पाऊंगा ना आप सुनने के लिए कभी खत्म हो पाएंगे। बट मुझे उसमें से जो लगता है कि जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया को अपने अलग लेवल पे पहुंचाती है, एक अलग दर्जा दिलाती है, मैं उन सब बातों पे आज डिस्कस करूंगा। जिसमें पहला नंबर हम आपको बताएं कि इंडिया का आर्किटेक्चर, इंडिया का जो वास्तुकला है वो पूरे विश्व में आज फेमस है। अगर इस वास्तुकला के पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं तो आपको पहला जो सबसे बड़ा वास्तुकला आर्किटेक्चर का उदाहरण है वो है हिंदुइज्म टेंपल, मतलब हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं उनका अनोखापन, उनकी चीजें आज तक विश्व नहीं समझ पाया, आज तक इंडिया के आर्किटेक्चर, वर्ल्ड के आर्किटेक्चर नहीं समझ पाए कि इस तरीके का डिजाइन किस तरीके से डिजाइन किया गया। जैसे बृहदेश्वर का टेम्पल अगर बताऊं, बृहदेश्वर का टेम्पल जो कि पूरा सिर्फ पिलर्स पे खड़ा है, ऐसे पिलर्स पे खड़ा है जो हैंगिंग है, मतलब उन पिलर के नीचे कोई बेस पे, कोई जमीन पे कोई उसका सपोर्ट नहीं है, पूरा का पूरा मंदिर हैंगिंग लटका हुआ उसका सारे पिलर। उस पिलर्स को कई बार तोड़ने की भी कोशिश की, जब भी पिलर्स को तोड़ने की कोशिश की जाती है तो ऊपर से वॉल जो है वॉल में क्रैक आ जाता है, मतलब ये है कि उस पिलर्स पे तो टिका है लेकिन पिलर्स किस पे टिका है ऐसा कोई भी। जैसे मंदिरों में हम चुनरी बांधते हैं, दरगाह में हम चादर चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम नीचे से चुनरी निकाल देते हैं पिलर के नीचे से। जैसे आप जानते होंगे केदारनाथ, केदारनाथ एक ऐसा टेम्पल है जो हिंदुओं के लॉर्ड शिवा का काफी ज्यादा सेंट्रलाइज है, लेकिन वहां पे पूरा का पूरा टेम्पल एक पत्थर को काट के बनाया गया है, ऐसा कोई उसमें ज्वाइंट नहीं है। एलोरा, अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में जानते होंगे, जहाँ पे एलोरा में 29, अजंता में 29, एलोरा में 34 गुफाएं हैं। एक एलोरा का मंदिर भी है, एलोरा का मंदिर में क्या है कि वहां पे जब पूरे एक एक ही पत्थर को सिर्फ और सिर्फ छिन्नी हथौड़ी के माध्यम से, उसमें कोई भी मशीन यूज नहीं की गई, पूरी छिन्नी हथौड़ी के माध्यम से 1000 ऑफ पिलर्स का जो पूरा मंदिर है वो बनाया गया है। उसमें 4 लाख टन अवशेष उसके मिले थे, 4 लाख टन मतलब पत्थर काटने के बाद जो बच जाता है वो 4 लाख टन मिले थे, उनको भी हटाया गया, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कैसे किया गया है, हाथों से किया गया। और इतना खूबसूरती, आप खजुराहो का टेम्पल जानते होंगे जो इंडिया में ताजमहल के बाद दूसरे नंबर पे देखे जाने वाला है, उसके ऊपर की जो नक्काशी है वो कहीं ना कहीं एक आज के आर्किटेक्चर को शौक में लेके आती है। क्या एक ऐसी चीज है, कहां से ऐसा आर्किटेक्चर का ऐसा दिमाग आया। ताजमहल की बात करें, जहां ताजमहल पे कई सारी कंट्रोवर्सी हुई किसने बनवाया, बट जहां हमने मतलब सबने सुना है कि शाहजहां ने बनवाया था, उसने हाथ कटवा दिए थे, तो आर्किटेक्चर के मामले में नो मैट कि इंडिया के ताजमहल का कोई तोड़ नहीं है। हाँ, प्रेम का सबूत मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रेम का बहुत बड़ी निशानी है, बट अगर आर्किटेक्चर की बात करूंगा तो आर्किटेक्चर के मामले में वन ऑफ द बेस्ट है ताजमहल। इसके बाद जो सेकंड फैक्ट है इंडिया का सेकंड फैक्ट है इंडिया का ट्रेडिशन एंड कल्चर। एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, अगर पूरे वर्ल्ड में बात करूं तो 8000 भाषाएं हैं, 8000 में से लगभग 1650 भाषाएं सिर्फ भारतवर्ष में बोली जाती हैं, उन 1650 में से 400 भाषाएं रिकॉग्नाइज्ड हैं, उन 400 में से 22 भाषाएं हमारे भारतीय संविधान ने अपने ऊपर लिया है या भारतीय संविधान में रजिस्टर्ड है। इसमें हिंदी को हम मातृभाषा का दर्जा देते हैं, नेशनल लैंग्वेज का दर्जा देते हैं, है ना, कोई मदर टंग नहीं है बट नेशनल राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी में बोली जाती है। आपने कबीरदास का दोहा सुना होगा कि कोस कोस से बदले पानी, चार कोस पर बानी, मतलब हर चार कोस पे जाने पे हमारी जो लैंग्वेज है कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है। इसके बाद हमारा नमस्ते, नमस्ते जो हम कहते हैं कि नमस्ते एक साइंटिफिकली प्रूव्ड है, मतलब हमें आपको दिल से प्रणाम है, वो प्रणाम क्या है कि अगर किसी को जब हम नमस्ते करते हैं तो जब हमारे यहाँ पे फिंगर के ये हैं, ये हमारे पूरे एक ही ऐसी एकमात्र पोज है या ह्यूमन स्केलेटन का या ह्यूमन बॉडी का एकमात्र ऐसा पोज है जहाँ पे हमारी सारी ग्लैंड, सारी की सारी ग्लैंड जो होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं,
प्रणाम कहने से। और हम हाथ क्यों नहीं मिलाते, हाथ मिलाने का ये इंडिया में ऐसा है, साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि हाथ मिलाने से आपका जितना बॉडी पार्ट किसी के साथ टच होता है आप उतने ही ज्यादा इमोशनल कनेक्ट, आपकी इंफॉर्मेशन उतनी ज्यादा शेयर होती है। तो हम क्या करते हैं अपनी एनर्जी को अपने साथ ले जाते हैं ताकि हाथ मिलाने अगर सामने वाला लो एनर्जी का है तो आपकी एनर्जी उसमें ट्रांसमिट होगी। इसीलिए किसी भी चीज को, किसी भी बॉडी को, किसी भी लोगों को छूने से ज्यादा बेटर होता है कि हम अपने हाथ को छूएं जिससे मैक्स टू मैक्स रिलीज हो पाए। आप ये जानते हो कि ये जो टेम्पल है ये आर्किटेक्चर में भी, वैसे बता दूं कि आर्किटेक्चर में ये 1000 पिलर है, इसके अंदर 1000 खंभे पे ये बना मंदिर है, बट इस मंदिर में 985 व्हील्स पे बना हुआ है, 1000 खंभों पे बना है, और कार्बन डेटिंग अकॉर्डिंग ये सारे खंभे एक दिन में कास्ट किए गए, मतलब 1000 पिलर का पूरा मंदिर सिर्फ एक दिन में बनाया गया, जो आज की कोई भी टेक्नोलॉजी जापान की हो, चाइना की हो, रशिया की हो, यूएसए की हो, इंडिया की हो, कोई भी टेक्नोलॉजी आज ये नहीं कर सकती जो इन्होंने करके दिखा दिया है। इंडिया एकमात्र देश है जहां पे आज भी हाथ से खाना जाता है, इंडिया और बांग्लादेश जो कि इंडिया का ही पार्ट था, वहां एक ही दो देश है जहां पे कहीं ना कहीं सिर्फ हाथ से खाना खाया जाता है, इसके अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं जहां पे हाथ से खाने का सिस्टम हो। और हाथ से खाने का जो मजा है दाल चावल का वो आप जानते होंगे, जो इंडिया में इस चीज को सुन रहे होंगे कि वो चम्मच चाय चूं करने से कोई फायदा नहीं है, वो टेस्ट नहीं आता है। इंडिया इज अ ज्वाइंट फैमिली। आप नृत्य की बात करें तो इंडिया में डांस के बारे में, डांस का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है गिनीज बुक में 123 घंटे 15 मिनट नाचने का डांसिंग क्वीन, इसका कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, इतने प्रकार के डांस हैं जो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मोस्ट टाइप ऑफ डांसेस, डांस का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया का ही है। आप ज्वाइंट फैमिली में इतनी बड़ी इंडिया, यूएसए की तरह ग्रे कार्ड्स हमारे यहाँ ग्रीन कार्ड्स नहीं खेला जाता है, हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली होती है। दैट मीन्स और इस तरीके का ट्रेडिशन है कि एक फैमिली, एक बड़ी फैमिली जब ज्वाइंट होती है तो काफी हद तक आपके आपकी फैमिली की बात बता रहा हूं, पर कहीं ना कहीं ट्रेडिशन था दैट्स एक करवा चौथ का व्रत अपने पति के रूप में, या एक 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 एकमात्र साड़ी। देखिए इंडिया में मैं बताऊं, मुगलों के इन्वेंशन से पहले, मुगलों जब भारत में आक्रमण किए थे उसके बहुत पहले की बात बताऊं, तो उस टाइम में इंडियन कल्चर में जो साड़ी पहनने का कस्टम था, साड़ी पहनने का वो सिर्फ एक था कि एक एक ऐसा कपड़ा रहेगा जो मतलब पूरे शरीर को ढक सके, दैट मीन्स उसमें ब्लाउज पहनने का या इस तरह का कोई कस्टम नहीं था, पल्लू ढकने का कोई बहुत ज्यादा रीति रिवाज नहीं थी। आप अगर रामायण वगैरह में देखेंगे तो वहां पे सीता ने बहुत ज्यादा कभी पल्लू नहीं किया, सर पे सिर्फ कपड़ा रखा है, दैट्स नॉट पल्लू। वो मुगलों के इन्वेंशन के कारण हमारे यहाँ जो हिंदुइज्म में जो कुप्रथाएं देखते होंगे वो कहीं ना कहीं इस वजह से हैं कि मुगलों की जो गलत नजरें हैं, बुरी नजरें, वो हमारे भारतीय महिलाओं पे या भारतीय बहन बेटियों पे न पड़े, इस वजह से हमारे जो काफी ड्रेसेस का आप कस्टम्स देखें। बट इसके पहले जो था वो आप देखेंगे कि अगर आप 1000-2000 BC में जाएं तो कहीं ना कहीं इंडिया में ऐसा भी कल्चर रहा है, आप मंदिर के आर्किटेक्चर एविडेंस ऐसे मिले हैं कि वुमेन्स को या गर्ल्स को अपना अपर बॉडी पार्ट से ढकने का भी मतलब बहुत ज्यादा, ये आपको एक तरह से ओपन माइंड सोर्स भी दिखाता है कि इतना ज्यादा वल्गरनेस इतनी ज्यादा वो नहीं थी कि गर्ल्स को अपना अपर पार्ट ढकने की जरूरत पड़ी, ओपन माइंडेड भी दिखाता है। बट मुगलों के बाद ये काफी सारी चीजें बदली जहां पे बहुत सारे ड्रेसेस के आए, और अभी भी इंडियन का कल्चर ट्रेडिशन एक मतलब यह है कि एक ही ऐसा देश है जहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कम से कम 30 से 32 तरह के धर्म इंडिया में खुशी खुशी निवास करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो फैक्ट नंबर 3 है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर भारत की जान कहें जो पूरे भारत को अभी चला रही है वो हमारे भारत का संविधान है, और सबसे बड़ा संविधान, पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। अगर इसके बारे में बताऊं तो ये पूरा संविधान हैंड रिटन है, ना कि कोई टाइप किया है, कोई कुछ नहीं किया है, पूरा का पूरा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन है, और इसके हर एक पेज पे जो नक्काशी है वो आर्टिस्टों के द्वारा की गई है, दैट्स नॉट कोई प्रिंटिंग प्रेस है कॉपी किया पेस्ट कर दिया, हर एक पेज को किसी ने डिजाइन किया है, किसी ने मार्क किया है, यहाँ पे आर्ट बनाई है किसी ने, ठीक है, हर एक पेज पे। दैट्स अगर आप बीआर, ये हैंड रिटन है जो कि दो लैंग्वेज में लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा गया है, और उसको एक माइक्रोस्कोपिक ऑडिटोरियम में रखा गया है जिसमें एटलीस्ट इसकी जो
एटलीस्ट जो ये सही तरीके से चल सकता है, एटलीस्ट ये 1000 साल तक इस पे कोई भी 0% जैसा कोरिजन होगा, दैट मीन्स 1000 साल तक सेफ है, उसके बाद इसको वो होना शुरू होगा। एंड प्रियम्बल जिसे हम कहते हैं सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोशलिस्टिक इंडिया, जहां पे जस्टिस लिबर्टी इक्वेलिटी फर्टेलिटी इन सब के बारे में हमें इक्वेलिटी दी गई है, वन वोट वन सिस्टम किया, आम आदमी को वोट देने का अधिकार मिला। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बारे इसके बारे में आप कई सारी चीजें जानते होंगे कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, 26 नवंबर 1949 को रेडी हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इन सब फैक्ट को आप जानते होंगे कि इतने पार्ट्स है, 12 पार्ट्स है, अमेंडमेंट है 395 पार्टी के लिए, दैट्स ईच एंड एवरीथिंग आपको मालूम। बट आप ये देखिए, जब जब संविधान बन रहा था उसमें 200 से ज्यादा अमेंडमेंट हुए थे, इतने बी एन राव यहाँ 22 कमेटी बनाई गई थी, 22 कमेटी में सबसे हेड कमेटी थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो हमारे बी आर अम्बेडकर थे। आप ये देखिए कि उस टाइम की सोच कि मतलब कास्ट सिस्टम को कितना ऊपर लेके जा चुके थे जो इंडिया के टॉप लीडर्स थे। बट उसके बाद भी जब ये ड्राफ्टिंग कमेटी बन के तैयार हुई सब कुछ, बी एन राव जो थे वो मतलब बाकी जो हमारे सोर्स हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स हैं, वो जिससे लिए गए उनको पढ़ने का जो काम था कहीं के बी एन राव को मिला था। तो जब बी एन राव उन चीजों को पढ़ रहे थे, जब ड्राफ्टिंग कमेटी पूरा बन के तैयार हुआ, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक चीज कही थी कि मैं वो पहला व्यक्ति हूंगा, जब उन्होंने सपने श्रेय दिया बी आर अम्बेडकर को, कहीं ना कहीं श्रेय फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया बताया ही जाता है, बट लोगों ने श्रेय देना शुरू किया कि बी आर अम्बेडकर का ये बनाया गया संविधान है। तो बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं वो पहला व्यक्ति हूंगा जो इस पूरे संविधान को आग लगाने के लिए तैयार हूंगा। तो पूरा उस टाइम पूरे देश में ये हलचल मच गई थी कि ऐसा क्यों कह दिया। या तो बी एन राव ने राज्यसभा में ये क्वेश्चन भी पूछा था कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि अगर आपने एक मंदिर बनाया और इस मंदिर में देवता के आने से पहले अगर कोई दानव या डेविल आके राक्षस आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आपको उस मंदिर को तोड़ना ही पड़ेगा। तो बी एन राव ने इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि तो हम राक्षस को भी मार सकते हैं, बट ये बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि जब हम ये इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ के जो मारने जो, क्योंकि ये दैवीय काल से प्रूफ है कि हमेशा राक्षस जीते हैं, हम अमृत भी राक्षसों के पास था, उन्होंने देवताओं ने उनसे छीना है, मतलब हमेशा कभी भी हमेशा असुरों की जय हुई है। इसलिए क्योंकि जो टॉप माइंड जो ऊपर हायरार्की पे थे, जिन्हें ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता था, अगर वो गलत हो जाएंगे तो फिर नीचे लेवल के पास तो कॉन्स्टिट्यूशन पहुंच ही नहीं पाएगा। दैट्स अमेजिंग फैक्ट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स फोर्थ डाटा, अगर आपको पता हो कि अभी यूएन की रिपोर्ट आई, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी दिसंबर 2022 में, इसके बाद यूएन की रिपोर्ट आई है अभी 5 से 6 दिन पहले, जहां ये बताया गया है कि इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेट कंट्री इन द वर्ल्ड, फर्स्ट नंबर पे आ गया है। बट अभी भी वर्ल्डोमीटर की रिपोर्ट है, आप ये वर्ल्डोमीटर की साइट पे जाके देख सकते हैं, जहां पे 141 करोड़ 88 लाख इंडिया की पॉपुलेशन है और 145 करोड़ कहीं ना कहीं चाइना की पॉपुलेशन है। बट अगर यूएन की रिपोर्ट जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, 142 करोड़ चाइना इंडिया की, 142 करोड़ 86 लाख और 142 करोड़ 57 लाख मिलियन पीपुल जो इंडिया के है ना, चाइना के। तो इसमें क्या है कि जो ये डाटा रिलीज किया गया, इसमें चाइना ने अपने जो सेंट्रल प्रोविंस है, ताइवान है, तिब्बत है, जो कि चाइना के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, उनकी पॉपुलेशन को यहाँ से निकाल दिया गया। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सेलरेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ, बट कहीं ना कहीं अभी भी अगर हम दिल्ली की पॉपुलेशन को निकाल दें तो इंडिया फिर से पीछे आ जाएगा। तो इन्होंने अपने सेंट्रल प्रोविंस को निकाल दिया गया है, जिसे हम अपने भाषा में केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उन चीजों को इन्होंने निकाल दिया गया। तो हाँ, ये बात से ठीक है कि आने वाले समय में 4-5 महीनों 6 महीनों में इंडिया का स्कोर जो है इंडिया चाइना से आगे चला जाएगा, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यूएन बैंक के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट नंबर पे पाएंगे, अगर ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल का एग्जाम है तो आप सेकंड नंबर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। That's इसके साथ साथ अगला फैक्ट जो है, आप इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे एक ऐसा रेलवे नेटवर्क है, एक ऐसा नेटवर्क है जो जिसके अंदर पर डे 23 मिलियन पीपुल ट्रेवल करते हैं। तो 23 मिलियन लोग, 23 मिलियन ऑस्ट्रेलियन की पॉपुलेशन है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के जितने लोग हैं उतने हमारी ट्रेन एक दिन में लोगों को ट्रेवल करवाती है, 23 मिलियन लोग। इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट रेल नेटवर्क विश्व का, रशिया चाइना और यूएसए के बाद सबसे चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, एंड द सेकेंड बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा बिजिएस्ट सेकंड यूएसए के बाद सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा बिजिएस्ट रोड है। आप अगर एग्जाम वगैरह की बात करें, उत्तर प्रदेश या बिहार में कोई एग्जाम होता है, जैसे पेट का एग्जाम होता है, पेट एग्जाम की बात करें तो उस टाइम पे अगर आप देखते होंगे ट्रेन में भीड़, तो आप खुद समझ जाते होंगे कि ट्रेन की कंडीशंस क्या। अगर आप खुद सोच के देखिए कि अगर भारत से एक दिन के लिए ट्रेन बंद कर दी जाए तो कितना यातायात ठप हो जाएगा, कितना 23 मिलियन लोग और 2 लाख टन
सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता है पर डे इंडिया के अंदर। आप ये जानते होंगे इंडियन आर्किटेक्चर का एक और उदाहरण चेनाब ब्रिज, जो कहीं ना कहीं स्टैच्यू ऑफ एफिल टावर, एफिल टावर की बात करें एफिल टावर क्या डबल हाइट पे है ना, उससे कुछ ज्यादा ही हाइट पे है एफिल टावर से। तो ये एक बात, जहां पे एफिल टावर पे तो कुछ नहीं होता, इस पे ट्रेन दौड़ेगी हमारी रेल। ये भोलू एक ग्रुप डी में शायद या ग्रुप बी में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, ग्रुप बी भोलू क्या है, जो इंडिया के गार्ड होते हैं, जो ट्रेन के गार्ड होते हैं, उनकी सफेद कलर की जो ड्रेस होती है वो सफेद हाथी के, सफेद हाथी जो इंडियन रेलवे का शुभंकर है भोलू जिसे नाम बोलते हैं। ये हाथी जो है आपने कई बार न्यूज में या जो कार्टून आते हैं उसमें देखा होगा, तो ये इसी के सफेद हाथी के बेस पे बनाया गया जिसे हम भोलू नाम देते हैं। इंडियन रेलवे का जो आप देखते होंगे कि ये हमारी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कालका शिमला रेलवे इन सबको जोड़ती है, जहाँ पे हमारी पूरी ट्रेन टनल के ऊपर से जा रही है, पहाड़ के ऊपर से जा रही है, ब्रिज के ऊपर से जा रही है। तो बना मतलब 16 लाख से ज्यादा लोगों को सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट बेस है वो कहीं ना कहीं इंडियन रेलवे, जो कम से कम 17 लाख लोगों को अपने अंदर एम्प्लॉयमेंट दी हुई है। ठीक है, जितने भी कई देशों की पॉपुलेशन नहीं होती उससे ज्यादा लोग इंडियन रेलवे के अंदर एम्प्लॉय है, और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश बड़े देश के जितने लोग रहते हैं उतने ज्यादा इंडियन रेलवे में डेली सफर करते हैं। आप सोचिए कि बना कितना बड़ा नेटवर्क है। दैट्स अगर हम लार्जेस्ट इंपोर्टर की बात करें, आर्म इंपोर्ट करने की बात करें, तो इंडिया का इस टाइम इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर कंट्री है, जो आर्म को अपने अंदर आर्म इंपोर्ट करता है। ये अभी थोड़ा सा डाटा गलत है, इंडिया इज द फर्स्ट रैंक पे है, सऊदी अरबिया इज द सेकंड नंबर पे है। ठीक है, इंपोर्ट जो करता है रशिया से 49% करता है, और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है यूएसए, मतलब विश्व अगर बजट की बात करें तो तीसरे नंबर पे बजट है इंडिया का, जिसमें जीडीपी का अलॉटमेंट है। बट अगर इंपोर्ट की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा आर्म्स खरीदने वाला जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया है। अब एक्सपोर्टर मेड इन इंडिया के थ्रू एक्सपोर्ट कंट्री में भी अपना अपनी पोजीशन को दाखिल कर रहा है, अपनी पोजीशन बना रहा है, बट इस टाइम इंपोर्ट में फर्स्ट रैंक पे है। ठीक है, ये फैक्ट नंबर 6 था। अगला फैक्ट जो हम बात करें फैक्ट नंबर 7 की, इंडिया एक ऐसा देश है जहां बोली जाती कि इंग्लिश बोलना कंपलसरी है, इफ यू Not speak then you are illiterate. लेकिन इंडिया के अंदर आप जानते होंगे कि वर्ल्ड पे सेकेंड लेवल पे इंग्लिश बोलने वालों की संख्या पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे इंडिया में, पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट जहाँ पे 283 मिलियन लोग बोलते हैं, और वही 246 लगभग 40 से 43 मिलियन कम लोग हैं। बाकी वर्ल्ड में सबसे चाइना, रशिया, यूक्रेन, यूरोपियन कंट्री, इन सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले मौजूद है कहीं ना कहीं भारत में 246 में। और ये जो गैप है ये बहुत बड़ा गैप नहीं, अगर योगी जी आज कह दे कि कल से इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए तो ये बहुत ज्यादा गैप तुरंत मेंटेन हो जाएगा, पर भारतीय संस्कृति जो हमें हिंदी बोलने पे जिंदा रखी हुई है। इसके बाद अगर फैक्ट नंबर 8 की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्कूल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, जो कि लखनऊ में, उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ में, जहां पे 56,000 बच्चों का एनरोलमेंट है, 56,000 बच्चे एक स्कूल में पढ़ाई करते हैं, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो वुड है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो भी इंडिया के अंदर है, बॉलीवुड वर्ल्ड का सबसे बड़ी इंडस्ट्री। इसके बाद द वर्ल्ड लार्जेस्ट गैदरिंग, यहाँ पे 150 मिलियन लोग, ये महाकुंभ का मेला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है, जहां पे इसकी हाई कोर्ट भी है उत्तर प्रदेश की, इसको आकाश से मतलब अंतरिक्ष से इसकी फोटो ली गई थी। 150 मिलियन लोग हर 12 साल पे लगता है, 150 मिलियन लोग यहाँ पे आके अपना स्नान किए थे, मतलब अपने भक्ति भाव को, यहाँ पे नागा के लिए काफी प्रचलित है, आप भी जा सकते हैं, हर 12वें साल में ये मेला लगता है कुंभ का। बट इतनी बड़ी ह्यूमन गैदरिंग एक जगह पे, आस्था भाव प्रकट करती कि हिंदुइज्म या भारतवर्ष में कितनी आस्थावादी लोग हैं, कि 150 मिलियन एक जगह पे आके इकट्ठा होना है, अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग की रिपोर्ट है कुंभ। इसके बाद 9वें फैक्ट की बात करें तो जहां पे लोगों को या देशों को तीन तीन एक टीम बनती है नेशनल एंथम करने के लिए, या दो से तीन लोग मिलके एक नेशनल एंथम को वो करते हैं, बट यहाँ पे कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसे आप जानते होंगे गुरुदेव की उपाधि भी इनको दी जाती है, गुरुदेव की, जिन्हें इन्होंने एक साथ अकेले तीन तीन देशों का राष्ट्रगान खुद लिखा है, बांग्लादेश का लिखा है, इसके बाद इन्होंने भारत का लिखा है जनगणमन, और श्रीलंका का भी जो भी टोनिंग है, जो भी म्यूजिक है, वो इन्होंने ही कंपोज किया है, जिन्हें कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। जैसे पॉली में मतलब बहुत प्रतिभाशाली फिलोसफर रह चुके हैं, बंगाली पोएट पॉली, मतलब फर्स्ट नॉन यूरोपियन
जो सबसे अच्छा फैक्ट है या फैक्ट है इंडिया के बारे में, वर्ल्ड वार सेकंड में 2.5 मिलियन पीपल कहीं ना कहीं इंडिया में कंट्रीब्यूट है, वर्ल्ड वार सेकंड में कंट्रीब्यूट किए थे अंग्रेजों के जमाने में। ये गांधी जी की सोच थी कि कहीं ना कहीं हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो इनसे बदले में हम मांग लेंगे। जो पहले हम डोमिनियन स्टेट की बात करते थे, फिर पूर्ण स्वराज्य पे हम आए, वो सब चीजें बड़ी हैं, बट 2.5 मिलियन, अगर इंडिया कंट्रीब्यूट अंग्रेजों का साथ नहीं देता तो कहीं ना कहीं हिटलर जीत जाता, और अगर हिटलर जीतता तो नाज़ीज़्म पूरे वर्ल्ड में फैल जाता, और जो आज की पिक्चर है वर्ल्ड की, जो आज हम देख पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नहीं देख पाते। वन ऑफ द बिगेस्ट रोल नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इन सब चीजों के साथ जो कितने मिलियंस वहां, उसके बाद भी हमें पूर्ण स्वराज नहीं मिला, ये गांधी जी की सोच का थोड़ा सा यहां पे आप कह सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में थोड़ी सी कमजोर आपको दिखेंगे गांधी जी। इसके बाद कहीं हम इंडिया के लिटरेसी रेट की बात करें तो जैसे यूएस यूके इनकी 99% तक है, बट इंडिया की लिटरेसी रेट, जब भारत आजाद हुआ तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं ये जो ब्राउन लाइन है 40% पे कहीं थी, अब ये 74-79% आ गई। बट केरला जैसा रीजन, केरला मिजोरम यहाँ पे अभी भी 98-99% लिटरेसी रेट है। ये थोड़ा यूपी बिहार जो मिडिल रीजन है कहीं ना कहीं यहाँ का पॉवर्टी के कारण हमारा लिटरेसी रेट इतना कम हो जाता है, बट कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम उन चीजों को भी टक्कर दे पाएंगे जहां हमारा बाकी यूरोपियन कंट्री कहीं ना कहीं रिच होने के कारण एजुकेशन में काफी आगे। बट हमें लगता है कि हमारे भी जिस तरीके से ग्रोथ की है ये अनएप्रिशिएबल है, मतलब इतना ज्यादा तरीके से ग्रोथ कर पाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक टफ टास्क होता है। साक्षर बनाने में इंडिया कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। इसके बाद अरावली पर्वत की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे पुराना अरावली माउंटेन रेंज, जो कहीं ना कहीं जब इंडिया नॉर्दर्न स्पीयर से पहले आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो साउदर्न हेमिस्फीयर में था, अफ्रीका के साथ लगा हुआ था, अफ्रीका से मूवमेंट करते करते में कई हजार लाखों वर्षों मूवमेंट करते 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 कहीं ना कहीं इंडिया यहां पहुंचा। तो ये तब की बात है जब इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ना, दक्षिणी गोलार्ध में, साउदर्न हेमिस्फीयर में हुआ करता था उस टाइम के, जैसे ये था, ये नीचे, ये यहां पे था, ये इधर, यहां से मूव करते करते यहां पहुंचा, उस टाइम की बात है। तो गुरु शिखर इसका सबसे बड़ा जो ऊंची चोटी है, पुरानी चोटी है, जो कहीं ना कहीं पाई जाती है राजस्थान से दिल्ली वाले रीजन में, ठीक है। अगर लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड की बात करें, माजुली आप आसाम मेघालय के साइड में पाएंगे कि इंडिया नदी पे बना हुआ है इतना बड़ा लैंड, जो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक टापू क्या एक शहर की भांति है जिसमें शहर बस सकता है, इतना बड़ा ये नदियों के अवसाद से आगे बना है। आइसलैंड क्या होता है कि नदियां जहां लाके अपने अवसाद को छोड़ जाती हैं उसे आइसलैंड बोलते हैं। आप जानते होंगे कि भारत में नदियों को अगर आप स्त्रीलिंग या फीमेल जेंडर की संज्ञा दी जाती है, गंगा माँ, सरस्वती नदी, मतलब सरस्वती माँ या बाकी चीजें, लेकिन ब्रह्मपुत्रा एक ऐसी है जिसे ब्रह्मपुत्र ना कहकर ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, जिसे मेल जेंडर कहा जाता है, जो नदी नहीं नद है, इतनी बड़ी नदी है। इसके बेल्ट आइसलैंड बना हुआ है जिसे कहते हैं माजुली। इसके बाद अगर वेटेस्ट रेन ऑन द अर्थ की बात करें तो ये है मौसिनराम में। आप जानते होंगे औजान एवरेज रेनफॉल कहीं ना कहीं 11 मीटर है, 11,000 सेंटीमीटर के बजे 11,000 मिलीमीटर, एंड कहीं ना कहीं इससे ऑन एवरेज अगर बात करें तो 11 मीटर है। और अगर मैं बात करूं कि 2015 में यहाँ पे 26 मीटर रेनफॉल हुआ था, 26 मीटर रेनफॉल पूरे वर्ष बारिश होती रहती है, यहाँ पे छाता काम नहीं करता, अम्ब्रेला काम नहीं करता, इसीलिए जो लोग बांस से बनी एक टोकरी होती है जो थोड़ी सी वी शेप की होती है, ये इसको परमानेंट लगा के रखते हैं क्योंकि वहां पर 24 आवर्स होती है और बारिश होती रहती है, ठीक है। गारो खासी जयंती है, जो खासी पे ये पड़ी हुई द हम्बली श्री सिद्धिरूढ़ा स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन, जो इस टाइम वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, अप्रॉक्स 1650 मीटर, 1650 मीटर, जैसे 2 से 3 ट्रेनें खड़ी हो सकती है। इसके पहले का जो था वो गोरखपुर रेलवे स्टेशन था, उत्तर प्रदेश का, बट ये हम्बली रेलवे स्टेशन कर्नाटक के अंदर पाया जाता है। श्री सिद्धिरूढ़ा जो अभी हाल फिलहाल में बना हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, इस टाइम वर्ल्ड में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसके बाद अगले फैक्ट की बात करें नंबर 15, तो सरदार पटेल स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो मोटेरा अहमदाबाद में स्थित है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, इसके पहले मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में था, बट इस टाइम वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जहाँ पे 1,10,000 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं एक बार मैच देखने के लिए, ठीक है। इसके अलावा इंडिया के अगर गेम की बात करें, जहाँ पे गेम सेक्टर में सबसे ज्यादा जो डिस्कवरी हुई कहने के शतरंज चेस की बात करें तमिलनाडु में खोजा गया है, सांप सीढ़ी स्नेक एंड लैडर की बात करें तो भारतीय डीएनए है जिसे चौसा कहा जाता है, टेबल टेनिस की बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया की डीएनए है, कबड्डी की बात करें तो इंडिया की डीएनए है, बैडमिंटन की बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया की डीएनए है, प्लेइंग कार्ड्स की जो
आप ताश खेलते हैं अगर उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया की देन है। कैरम बोर्ड की बात करें तो कैरम बोर्ड कहीं ना कहीं इंडिया की देन है। सेवन टाइम्स जिसे पिट्ठू या सतगुटिया कहते हैं वो भी कहीं ना कहीं बात करें तो इंडिया की देन है। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द गेम्स जो इफिशियंट खोजे गए हैं जो कहीं ना कहीं आज ओलंपिक में भी शामिल है दैट्स कहीं ना कहीं हमारी इंडिया की देन है। ठीक है, उसके बाद आप अगर पोस्टल सिस्टम की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोस्टल सिस्टम जो रूरल एरिया में वर्क करता है वो कहीं ना कहीं इंडियन पोस्ट ऑफिस है। इंडियन पोस्ट ऑफिस आप जानते हो जब 1947 जब देश आजाद हुआ था उसके बाद 20 सालों में जितना बड़ा कम्युनिकेशन का काम है आज इंडियन पोस्ट ने किया आज तक उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी और चीज का नहीं। हाँ ये बात सच है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी इंटरनेट सिस्टम बढ़ा व्हाट्सएप बढ़ा यूट्यूब बढ़ा फेसबुक बढ़ा ये सारी चीजें बढ़ी इंस्टाग्राम बढ़ी इनका इनका प्रचलन कम हुआ इन्होंने अपने आप को उस टेक्नोलॉजी समय के साथ ढाल नहीं पाए। बट 2015 के बाद ये शुरू के 20 साल बाद अभी हाल 2018-15 के बाद इन्होंने अपने आप को बूम करने की कोशिश की अपने आप में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश की है। इन्होंने जो इनका पोस्टल बैंक है उसमें जीपीएस सेट करवाया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक खोले हैं जीरो पर जो जीरो बैलेंस पे जैसे 25,000 करोड़ की भारत की सेविंग आई है। इसके बाद इन्होंने एटीएम खोले हैं और एकमात्र ऐसा पोस्टल बैंक है जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की डल लेक में आप जाएंगे तो ये मैंने खुद देखा है डल लेक में आप जाएंगे तो वहां दो चीजें हैं एक फ्लोटिंग एसबीआई बैंक का एटीएम है देश का पहला एसबीआई ऐसा पहला एटीएम जो फ्लोटिंग है एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया डल लेक में और डल लेक में ही भारतीय डाक है जो कहीं ना कहीं और इसकी 85-85% ब्रांचेस जो है वो विलेज एरिया में है कहीं ना कहीं प्रॉफिट गेन करने के साथ एक सोशलिस्टिक की भावना कहीं ना कहीं इंडियन पोस्ट हमें दिखाता है। इसके बाद अगर अगले फैक्ट की बात करें नंबर 17 तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत अगर अखंड भारत जो आप इस टाइप देख पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है जिन्होंने किसी को गाजर खिला के किसी को डंडा दिखा के साम दाम दंड भेद लगा के कहीं ना कहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने पूरे भारत को एक करने की जो कोशिश की थी वो मुझे नहीं लगता कि सरदार पटेल के अलावा किसी और के पास इतना इतना पेशेंस इतना धैर्य और इतनी प्रतिभा रही होगी जो पूरे भारत को अभी एक कर पाया है क्योंकि अंग्रेज तो हमें अलग अलग पार्टी में करके गए थे। इसके बाद जटायु जैसा बर्ड सेंचुरी वर्ल्ड का सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी बर्ड स्टैचू कहीं ना कहीं केरला में है जो कोल्लम में पड़ता है जो इतने बड़े एरिया में है लगभग 1300 फीट स्क्वायर में है जिसमें 10 टेनिस कोर्ट आ सकते हैं एक स्टैचू के अंदर 10 टेनिस कोर्ट आ सकते हैं जटायु नेशनल पार्क इस टाइम वर्ल्ड का सबसे बड़ा बर्ड स्टैचू है। इसके बाद फैक्ट नंबर 18 की बात करें और इंडिया की बात करें भारत की बात करें तो हम इसरो की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। इसरो के बारे में बताएं तो ये एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में रॉसकॉसमॉस आप नासा इन सबको हटा दीजिए बट वर्ल्ड का सबसे एकमात्र ऐसा है जिसने अपने प्रथम प्रयास में ही कहीं ना कहीं मंगलयान पे अपनी पहुंच बनाई थी मतलब मेडन सक्सेसफुल अटेम्प्ट इज द फर्स्ट इज डन बाय द इसरो और पहला ऐसा है। अगर आपको ग्रुप बी ग्रुप सी लेवल तक ग्रुप डी लेवल का एग्जाम आता है तो आप उसमें ये भी मार सकते हैं भी ऑप्शन सही हो सकता है कि कहीं ना कहीं चंद्रमा पे पहली बार पानी की खोज करने वाला देश जो था वो भारत था बट अगर आप यूपीपीएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि इसरो चंद्रयान 1 की और नासा कैसाइनी एंड डीप इंपैक्ट मिशन इन दोनों का कंबाइंड मिशन था जो कहीं ना कहीं चंद्रमा पर पानी खोजा था बट अभी भी जो मेजर रोल है चंद्रमा पर पानी खोजने का वो कहीं ना कहीं भारत का है। भारत इसरो अभी सिर्फ इतना ही नहीं रोबोटिक्स एक मानव रचित रोबोट को भेजने वाला पहला प्लानिंग देश बन गया जिन्होंने प्लान कर रहा है रोबोट को वहां तक भेजने में चंद्रमा तक रोबोट को भेजने में पहली बार प्लान कर रहा है। ठीक है तो इसरो इसके बाद अगर इनकी बात हो तो अब्दुल कलाम आजाद मिसाइल मैन देखिए हम कलाम से नफरत नहीं कर सकते हम कलाम एक ऐसे देश है जो कहीं ना कहीं हम कसाब से नफरत करते हैं कलाम से नफरत नहीं करते आपको इस चीजों को समझना होगा। दैट मीन्स अगर अगली बात मैथमेटिक्स की कहें कहीं ना कहीं अगर हम गणित भारतीय गणित की बात करें तो आप आर्यभट्ट को जानते होंगे आप श्री रामानुजमाचार्य को जानते होंगे जिन्होंने इतनी बड़ी डिस्कवरी इंडिया को दी जिसके बिना मैथमेटिक्स जीरो है वो हमारे इंडिया की डिस्कवरी है जीरो आर्यभट्ट। इसके अलावा डेसिमल सिस्टम आप जानते होंगे ज्योमेट्री जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्री जानते होंगे अलजेब्रा जानते होंगे दैट्स ईच एंड एवरीथिंग बी डिस्कवर्ड बाय द इंडियन मैथमेटिशियन। ठीक है इसके अलावा आप फिबोनाची नंबर जानते हो फिबोनाची नंबर क्या होता है जैसे कोई नंबर है इस नंबर के जो सेकंड पीछे के दो पार्ट है ये आपस में ऐड करने पे 21 और 13 कितना आएगा 34 21 के 13 8 21 8 और 5 13 मतलब प्रीवियस टू नंबर का एडिशन क्या होता है वो आगे वाला नंबर होता है। इसके अलावा इंडियन की डिस्कवरी की बात करें
तो आप ऑप्टिकल फाइबर इंडिया की देन है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर इंडिया की देन है। इसके अलावा जो शैम्पू आप देखते हैं, जो शैम्पू कहेंगे नहीं इंडिया की देन है, दैट्स अ डिस्कवरी कि इंडिया ने क्या क्या अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री क्या नहीं खोजा है। आज अगर कई ऐसी रिसर्च है हार्वर्ड, अगर मैं बताऊँ हार्वर्ड के अंदर या इन सब के अंदर जो हमारी तीन बड़ी यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, इनसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ, इसके पहले नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, जो इसके अंदर 90 जो खिलजी था उन्होंने 90 लाख किताबों को जला दिए थे, कई महीने तो किताबें सिर्फ जल रही थी। आज भी आप जा सकते हैं बिहार में, 40 रुपए का टिकट है, आप एक बार देख के आए नालंदा को, आपको अभी भी आप पता चलेगा कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जिसके मामले में कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड ये आपको बहुत छोटी लगेगी। दैट्स द इंडिया की वो पावर रही है आज के पहले। आप अगर इसके बाद बात करें तो जो सागर माथा, जिसे नेपाल के लोग सागर माथा कहते हैं, हम इसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं, उसको IMF जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जिसकी हेड ब्रांच कहीं कहीं देहरादून में है, उन्होंने और नेपाल ने मिलके कहीं ना कहीं उसकी हाइट पहली बार मेजर की थी, जो 8848 है, 8848.48 मीटर, जो कहीं ना कहीं इंडिया सबसे बड़ा, जो सबसे ऊंचाई पे है उसको मेजर करने वाला पहला देश जो था वो भारत था, जिसने ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा या कैलकुलस के द्वारा उस ऊंचाई को मेजर किया था, एक्यूरेट मेजर किया था। इसका द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, जिसे सुश्रात कहते हैं, सुश्रात जो प्लास्टिक सर्जरी को खोजे थे इंडिया के अंदर, वो कहीं ना कहीं इंडिया के थे। इसके अलावा इंडिया में आप जानते होंगे प्रोडक्शन के मामले में कहूँ तो केले के प्रोडक्शन में, मसालों के प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं इंडिया टॉप, दूध के प्रोडक्शन में इंडिया टॉप मोस्ट पे रहा है। अब तो डायमंड खोजने वाला, डायमंड की माइन जो है सबसे पहले इंडिया में डायमंड खोजा गया था। इसके अलावा मैं बात करूँ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की, तो गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इंडिया के तीसरे नंबर पर कंट्री है, जो जिसके अंदर सबसे ज्यादा फैक्ट इंडिया के हैं। आप जानते हो कि जो जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को परेड होती है, उसी तरह बैंगलोर में एक बाइक पे आप इसकी इन सब चीजों को गूगल करके डिटेल में पढ़ सकते हैं, एक बाइक पे 58 लोग खड़े हुए थे, बैलेंस बनाए थे। इंडियन का बैलेंस सिस्टम है जो कहीं ना कहीं एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। इसके बाद आप देखते होंगे कि जो कलाम हेमस्थान, ये कहीं ना कहीं 123 घंटे 15 मिनट तक लगातार डांस की थी, जिसे डांसिंग क्वीन ऑफ केरला के नाम से, डांसिंग क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ज्योति अमेजल इज द शॉर्टेस्ट लिविंग वुमेन, जिन्हें एक डाउन जो ड्वार्फ बीमारी है, जिसके कारण जिसकी हाइट अप्रोक्स आपको 30 सेंटीमीटर या 33 सेंटीमीटर अप्रोक्स की हाइट है, ठीक है। इसके बाद आप सिंह मेड, जो सिंह साहब आप देखे होंगे एक बाइक पे खूब टोपी लगाए हुए, बड़ी सी टोपी, 400 मीटर कपड़ों की टोपी लगाए थे, गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड है। राम सिंह चौहान राजस्थान के हैं, जिन्होंने सबसे बड़ी मूछ का रिकॉर्ड है। इसके अलावा भी नारियल फोड़ने का या वाटरमेलन तोड़ने का रिकॉर्ड, या स्ट्रॉ डालने का, मुंह में स्ट्रॉ डालने का, या कैलकुलेशन के बेस में, जिसमें भी हो इंडिया कहीं ना कहीं गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कहीं ना कहीं अपने फैक्ट को बनाए हुए। तो इस वीडियो में इसके अलावा भी इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं इंडिया के बारे में, जो आपको जानने के बारे में, आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, आपको मैं जब वीडियो बनाना शुरू कर रहे थे, मैंने इस टॉपिक सेलेक्ट की थी तो कहीं ना कहीं मुझे इतना आइडिया नहीं था इंडिया के बारे में, बट अब जैसे जैसे मैंने इस चीज को पढ़ना खोजना शुरू किया तो मुझे यह पता चला कि वी नॉट सिर्फ भारतीय नहीं, पूरा विश्व क्यों आज भारत से प्यार करता है। बने रहिए इस वीडियो के साथ, अगर हम इसके साथ भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो भी लेके आएंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय।